रोजाना ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टॉक न्यूज़ को और दबाएं इस घंटे को ताकि आपको मिले रोजाना नए नए अपडेट्स। यहाँ रेप और टॉर्चर से किया जाता है होमोसेक्सुअल महिलाओं का इलाज। करेक्टिव रेप को अपने एक्ट के जरिए रिप्रेजेंट करती फोटोग्राफर पाओला। करेक्टिव रेप को अपने एक्ट के जरिए रिप्रेजेंट करती फोटोग्राफर पाओला। स्पेशल डेस्क। इक्वाडोर की फेमस फोटोग्राफर पाओला परेड्स ने इक्वाडोर के कुछ ऐसे थेरेपी सेंटर्स का पता लगाया है जहां होमोसेक्सुअल महिलाओं का दर्दनाक तरीके से इलाज होता है। इक्वाडोर की है एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में पाओला ने बताया कि यहां ऐसे एक नहीं बल्कि दर्जनों सेंटर्स हैं। उन्होंने यहां की फोटोज खींचने की कई बार कोशिश की लेकिन वे कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि यहां कैमरे ले लाने की परमिशन नहीं थी। हालांकि उन्होंने ये सब पता लगा लिया कि यहां किन किन तरीकों से महिलाओं को टॉर्चर किया जाता है। इसके चलते पाओला ने खुद एक्टिंग कर फोटो सीरीज तैयार की और इसके जरिए महिलाओं का हाल बताया। पाओला की यह फोटो सीरीज जिस समय इक्वाडोर में काफी चर्चा में है करीब एक साल तक कैद रखा जाता है। डैश इक्वाडोर में ही रहने वाली पाओला ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में बताया कि इन थेरेपी सेंटर्स के बारे में उन्हें उनके एक फ्रेंड ने बताया था। डैश इसके बाद पाओला ने बताया कि यहां होमोसेक्सुअल महिलाओं का ही नहीं बल्कि ड्रग्स और शराब के आदि लोगों का भी इलाज होता है। डैश इसके लिए परिवार के लोग ही अपनी लड़कियों महिलाओं को जबरदस्ती यहां लाते हैं और इसके बदले में अच्छी खासी रकम भी देते हैं। डैश हालांकि फीस का कोई तय पैमाना नहीं है, फैमिली ही इन्हें यहां छोड़कर जाती है। इसके चलते महिलाएं अपना मुंह नहीं खोलती। देश यहां महिलाओं को करीब एक साल तक कैद रखा जाता है और उन्हें पीटा भी जाता है। अक्सर महिलाओं के साथ करेक्टिव रेप जेंडर की पहचान के लिए भी होता है। रेप के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि इससे महिलाओं का होमोसेक्सुअलिटी से दिमाग हट जाता है। देश महिलाओं को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता, अधिकतर समय उनके साथ पुरुष ही रहते हैं। उन्हें सिर्फ नहाने के लिए अकेला छोड़ा जाता है। देश विक्टिम महिलाओं से ही सेंटर के साफ सफाई से लेकर सारे काम करवाए जाते हैं। महिलाओं को सेंटर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती, सिक्योरिटी गार्ड्स की इन पर पैनी नजर होती है। देश पावला बताती हैं कि महिलाओं के परिवार भी लगातार इनके संपर्क में रहते हैं लेकिन इनसे कभी कभार ही मिलते हैं। हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि इस थेरेपी से कितनी महिलाएं ठीक हो पाईं।